बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, या इली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो शुरू व्लॉग कुछ यूं है जी, सियालकोट टू खारियां मोटरवे के जो इंजीनियर हैं वो आए हुए हैं मुख्तलिफ ज़िलों के और जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं उनके जी। तो जितने भी टू व्हील या जितनी भी बिल्डिंग्स आई हुई हैं उनका वो सर्वे कर रहे हैं और लिख रहे हैं जी। तो आ जाए जी हमारे गाँव, तो चले आपके साथ ये भी मोटरवे की वीडियो शेयर करते हैं जी इंशाल्लाह। अभी जी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, इंजीनियर साहब आए हुए थे। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसका वो हिसाब किताब लगा के नक्शा वगैरह बना के तो ले के गए हैं। तो चले मैं पूरी इंफॉर्मेटेड जो वीडियो है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो इंजीनियर साहब तो यहाँ से चले गए हैं जी इस डेरे से। तो बताया ये क्या है कि इधर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर भी लिखवाया है इन्होंने, ये खंभा एक इन्होंने खुद लगवाया हुआ है, ये भी वो लिख के ले गए, ये गेट भी। तो और इस वीडियो में बताना यही है कि वो हिसाब आप किस तरीके से लगाते हैं। ये पिलर, ये नीचे आप देख सकते हैं पत्थर लगा हुआ है ये, और इधर ये देख सकते हैं ये जो ऊपर छत पड़ा हुआ है, और इस साइड पर भी जितना खर्चा हुआ है जो जो लगा हुआ है, जितने दरवाजे लगे हुए हैं, ये सारा का सारा वो लिख के ले गए हैं और मुकम्मल एक नक्शा बना के ले गए हैं। एक इंजीनियर होता है और एक साथ में नक्शा नफीस भी होता है जी, जो पूरी बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियां और दरवाजे कितने कितने बड़े लगे हुए हैं ये सारे लिख के ले गए हैं। हम यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे हैं जी, तो इंशाल्लाह ताला आगे उनसे मुलाकात भी करते हैं, वो किस तरह नक्शा बनाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्डिंग के लिहाज से वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद ये जो हम नीए लोग निकालते हैं इसके बारे में भी साहब कुछ ही। और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं जी काफ़ी बड़ा डेरा है जी, डेरा भी और घर भी सारा एक साथ ही जी, ये आप देख सकते हैं। तो चलें जी इंजीनियर साहब से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं जी वो किस तरह वो हिसाब किताब लगाते हैं और किस तरह वो नक्शा बनाते हैं और किस तरह एस्टीमेट लगाते हैं बिल्डिंग का, तो वो भी सारी बात आपसे शेयर करते हैं जी। तो सुनने में तो यही आया कि एक एक ईंट के जो वो पैसे हैं ना जी वो देंगे जी एक एक ईंट के, मगर आगे देखें क्या क्या होता है जी इंशाल्लाह। तो चलें मैं आपको जो आगे वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी इसमें जी। जी अभी हम पहुंचे हैं अपने गांव के पास ही, तो यहाँ पे एक टू व्हील है, होजी है, पीटर है, और ये बना हुआ है जी एक कमरा जी। तो ये पूरी डिटेल लिख रहे हैं कि कमरे के ऊपर क्या है, गार्डर और किसके नाम पे है, आईडी कार्ड वगैरह, नंबर मालिक का जी, सारा सिस्टम यहाँ पे हो रहा है जी। और ये जो रिकॉर्ड है ये आगे जाएगा जी, और फिर नोटिस आएगा जी उनके नाम पे जी, आईडी कार्ड, नंबर, दरवाजे कितने लगे हुए हैं, बिल्डिंग पे ऊपर काम कौन सा किया हुआ है, या जमींदार कितनी बड़ी बिल्डिंग है उसकी पिक्स है, सारी टोटल इंफॉर्मेशन वो लेके जाते हैं कि बिल्डिंग पे तकरीबन कौन कौन सी चीज लगी हुई है, मिट्टी है, पत्थर है, टाइल है, कितना खर्चा हुआ है, वो सारी डिटेल लेते हैं, लिखते हैं, फिर एक नक्शा बनाते हैं, नक्शे के तहत लिख के आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ लेते हैं। तो चले आगे एक और डेरा आया हुआ है वो भी आपके साथ ना, उस डेरे की भी जो इंजीनियर सामने इंजीनियर साहब है और वो सामने जो के नक्शा मैन है जी, वो जो लड़का ऊपर है जी। तो चलें आपके साथ आगे भी जो इन्फॉर्मेशन इनसे लेके तो आपके साथ शेयर करेंगे जी इंशाल्लाह जी। आप देख रहे हैं जी पूरा नक्शा वगैरह पूरी डिटेल ले रहे हैं जी, जगह जगह पे जाके आप जगह भी देख सकते हैं कि जंगल नुमाया जी, काफी इनकी मेहनत है और काफी वेट करना पड़ता है जी मालकों का भी जी, ये देख सकते हैं जी आप इनकी मेहनत जी, कुछ इस तरीके से जो के डिटेल लिखते हैं जी, ये नक्शा भी आप देख सकते हैं काफी मेहनत है जी, और माशाल्लाह बखूबी अपनी ड्यूटी को ये अंजाम दे रहे हैं जी। और अभी हम इनकी हेल्प कर रहे हैं कि गांव में जिस जिस जगह पे भी किसी का कोई पीटर या कुछ भी आ रहा है वो इन्होंने लिखना है जी,
तो ये आगे गवर्नमेंट के ही अपना ही सिस्टम है जी सारा। चलें देखते हैं आगे गांव में कौन कौन से घर या डेरे कौन कौन से आ रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा की बयान हो तुसी की हो जे जी थोड़ी जी मेहरबानी आदि कर सकते चढ़ते हो जाते वेखो हले तकरीबन 6-7 महीने लग जाने ने जी काम शुरू होने भी जी जी हाँ मेहरबानी करो तो रवा सारा 4 फुट अज हो जाए तो बच जाइए तो रवाओ तो जो रवा सारा 4 फुट अज हो जाए जैसे कि आप सामने देख रहे हैं जी मुकम्मल फीते वगैरह हर चीज इनके पास है जी, पूरा 1% भी जो एस्टिमेट है ये गलत नहीं जी लगाते जी, पूरा 100% जो मालिक की हक रसी होती है, जो खर्चा जो भी सिस्टम होता है ये सब कुछ लिखते हैं जी। तो चले आगे किस्मत और जो भी है अल्लाह ताला सबको दे जी। और ये जो डेरा आप देख रहे हैं, पहले ही मैंने दिखाया अपनी वीडियो में कि हमारे गांव के पास ही ये डेरा है, ये पूरा मोटरवे की जद में आ रहा है जी। तो चलें देखते हैं आगे को, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो इनसे लेते हैं जी, ये कि पैसे कैसे मिलेंगे और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है जी। ले जी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इंजीनियर साहब आए हुए हैं जो बिल्डिंग लाइन वाले हैं, तो इन्होंने भी सारा प्रोसीजर अपना मुकम्मल करके तो डीसीओ ऑफिस जो हमें लग रहा है जी गुजरात वहाँ पे देंगे, और जितना भी वो एस्टिमेट है इधर वो लिखते हैं, यहाँ तक कि ये जो सोलंग लगा हुआ है ये आप देख रहे हैं कि जिनमें ये भैंसे चारा खाती हैं, ये सोलंग लिखा लगा हुआ है ये भी लिख के वो लेके गए हैं कि यहाँ पे भैंस चारा खाती है, हमारी जबान में इसे खुरली कहते हैं, खुरली के सामने जो ये लगा हुआ है सोलंग बेड मींस के जिनके ऊपर ये भैंसे बांधी जाती हैं वो भी लिखा गया जी बीच में, और उसके बाद वो सामने आप देख रहे हैं हैंड पंप लगा हुआ है जी वो भी, और ये पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये छोटी सी ये पूरी बिल्डिंग और इसके अंदर जो कि ये सोलंग लगा हुआ है ये भी, मीन्स के हर एक चीज़ लिखी जाती है कि ये इसकी जो समझ लें कि बिल्डिंग में जो सरिया पड़ा है इसकी दीवार कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है कितनी, सब कुछ लिखा जाता है, हर चीज़ का जो एस्टीमेट है वो लगा के पेपर के ऊपर नक्शा बना के पिक्चरें ले के और बिल्डिंग की पूरी कवरेज करते हैं वो फीते के साथ कि ये कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है कितनी ईंटें लगी होंगी, सारा हिसाब कार के वो लिख के लेके जाते हैं, उसके बाद डीसी ऑफिस में जाएगा और क्लियर होगा, और आपका आईडी कार्ड नंबर फ़ोन नंबर ये लेके वो जाएंगे, आपको कॉल्स आएगी और फिर आपको बुलाया जाएगा और आपको पैसे दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा, नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सारे भाई पूछ रहे थे कि मोटरवे के रिलेटेड यही नई वीडियो आई है और FW के जो कैंप हैं ये लगने शुरू हो गए हैं जी खारिया में गुलियाना में, तो वो भी मैं किसी दिन गया तो वो भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो काम है ये कम से कम 6 मंथ तक शुरू नहीं होगा।